फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एमी और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी वर्सेस सेकंड प्रेगनेंसी डिफरेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं बताऊंगी फर्स्ट प्रेगनेंसी सेकंड प्रेगनेंसी से कैसे डिफरेंट है। और शायद आपको ना पता हो, मेरी फाइनल डेट हो चुकी है और मेरा 9th मंथ लग गया है और मेरी डेट भी सिलेक्ट हो चुकी है और सी सेक्शन होना है मेरा। तो यही टाइम है कि मैं आपके साथ शेयर करूं डिफरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड, बात करते हैं पहले डिफरेंस की, जो है टाइम का ना पता चलना। तो इस प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि मेरा कब 9th मंथ स्टार्ट हो गया। वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे टाइम काउंट करती थी, अब ये होना है, अब ये होना, क्योंकि हमें उस टाइम फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, हमें पैम्पर्ड भी बहुत मिलता है, हमारे ख्याल भी बहुत रखा जाता है, हमें कुछ नॉलेज नहीं होता, तो हम बहुत ज़्यादा वेटिंग भी करते हैं हर चीज़ का, कि अब हर एक दिन हम काउंट करते हैं। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरी, जैसे कि मेरी बेटी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ देखना पड़ता था, उसके खाने का रूटीन, उसके देखभाल, उसके सोने का, और भी जो चीज़ होती हैं इंक्लूड हो जाती हैं। तो फर्स्ट बेबी के साथ आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कब निकल गया, मेरा कब 9th मंथ स्टार्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड, वो है फर्स्ट प्रेगनेंसी इन्जॉय। मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी को बहुत इन्जॉय किया। मुझे सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं उसमें कुछ भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि मुझे एलर्जी होती थी प्याज, लहसुन, घी, पनीर। पनीर तो मैंने छुआ ही नहीं था पूरी प्रेगनेंसी में, मुझे उल्टी वॉमिट आती थी, तो मैं कुछ नहीं खा पाती थी। 3 महीने के बाद मैंने सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने थोड़ा बहुत खाया है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था सब कुछ, तो उसमें मैंने खूब खाया भी है। 3 महीने तक खाना नहीं खाया, लेकिन फ्रूट, दूध, जूस वगैरह सब कुछ लिया है। और सेकेंड प्रेगनेंसी में मैंने उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं ले पाई हूँ। फ्रूट भी नहीं खाने का मन करता था, क्योंकि इतना ज़्यादा मन भर रखा था कि फ्रूट खाने का मन करता था। डांट वगैरह पड़ती है सबकी कि खाओ फ्रूट वगैरह, खाना ज़रूरी है, तो खा लेती हूँ, वरना मैं ज़्यादा कुछ नहीं ख्याल रखा सेकेंड प्रेगनेंसी में अपना। जो है मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस उसमें मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा हुई थी मुझे, जो 3 मंथ तक मैंने बताया आपको। और क्योंकि उल्टी आती थी और बिना टैबलेट खाए मैं रह नहीं पाती थी, डॉक्टर ने जो मुझे टैबलेट दी थी उसके बिना खाए मैं रह नहीं पाती थी, तब जाके कंट्रोल होती थी। और इसमें जो है फ्रेंड, मुझे सिर्फ नोज़िया हुआ है और मैं सब कुछ खा रही हूँ इसमें। मैं फुली तरीके से मैंने खाना भी खाया है, पनीर भी खाया है, ना मुझे एलर्जी हुई ना घी से, ना तेल से, ना प्याज से, ना लहसुन से, इसमें मुझे कुछ भी नहीं हुआ है फ्रेंड। ये इसमें मैं स्मूथली अपना सब कुछ खा रही हूँ, बराबर मैंने खाया भी है इसमें। नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम, वो स्किन से रिलेटेड। तो स्किन ना उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डल हो गई थी, उस टाइम मेरी ये नोज़ जो ब्रॉड हो गई थी, चौड़ी हो गई थी, स्वेलिंग सी थी चीक्स पे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो मेरी नेक में हो गई थी, जो बिल्कुल ब्लैक डार्क हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो सब लोग मुझे कहते भी थे कि क्या हुआ, तो लेकिन ये सिम्टम था प्रेगनेंसी का। लेकिन इस प्रेगनेंसी में मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ना तो मेरे ना नेक मेरी डार्क हुई है और ना ही मेरे नोज़ ब्रॉड हुई है, बिल्कुल वैसा ही है, सारा फैट मेरे टमी में ही है। तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है, क्योंकि इसमें जो स्किन डल मेरी नहीं हुई है। और फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी मैं मीठा बहुत खाती थी, बहुत ज़्यादा मुझे मीठा इतना पसंद था कि मैं सुबह एक छीना तो लेती ही लेती थी, उसके बाद भी आइसक्रीम मैंने बहुत खाई थी उसमें। लेकिन इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मुझे दोनों की ही क्रेविंग रहती है, जैसे कि मीठे की भी, लेकिन सॉल्टी की ज़्यादा होती है। गोलगप्पे वगैरह खाने की ज़्यादा मुझे इच्छा होती है, एकदम तीखा खाने की इच्छा होती है। उसमें मेरा ऐसा कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ स्वीट स्वीट अच्छा लगता था मुझे। जो है फ्रेंड्स, वो है सोना, मतलब हम किस साइड में सोते हैं, किस साइड में नहीं सोते हैं, प्रेगनेंसी में ये दर्द होता है, वो दर्द होता है, मैंने ये सब सुना था फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊँ आपको, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, ना मुझे सोने में दिक्कत होती थी, ना मुझे उठने में दिक्कत होती थी, ना मुझे पैर में दर्द हुआ, ना मुझे इन टोटली, मतलब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मुझे प्रेगनेंसी बहुत अच्छी लगी थी उस टाइम, प्रेगनेंसी को मैंने इन्जॉय किया था एक टाइप का। बस 3 मंथ जो हुई थी मॉर्निंग सिकनेस वाली, वो उसके अलावा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में फ्रेंड्स, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है,
मेरे टमी में भी बहुत पेन कभी कभी हो जाता है, जैसे उठने बैठने में अगर मैं लेट गई तो उठने में मुझे 5 से 6 मिनट लगेंगे उठने में, और मेरे एक राइट साइड में तो हमेशा ही पेन बना रहता है। इस बार मुझे बहुत दिक्कत हुई है, ये थर्ड हाँ थर्ड ट्राइमेस्टर से मुझे दिक्कत शुरू हो गई है। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी रहता है और राइट साइड में तो मेरी बहुत दिक्कत आती है पैर में। तो ये थे मेरे दोनों प्रेगनेंसी के डिफरेंसेस। एंड मुझे नहीं पता कि मेरे मेरा सेकंड बेबी गर्ल होगी या बॉय होगी, मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ डिफरेंस है मेरे इस बारी बहुत। ये थे मेरे डिफरेंसेस, अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शायद ये मेरी लास्ट वीडियो हो सकती है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल पाए कि मेरे क्या हुआ है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो फ्रेंड्स मैं आपको सारी अपडेट करती रहूँगी, नहीं तो थोड़े दिन बाद करूँगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ऐसे प्यार अपना बनाए रखिए। बाय बाय।